हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई एम विद यू विद द बुक बी हाइव इंग्लिश टेक्स्ट बुक फॉर क्लास नाइन्थ. दिस इज द लेसन वन, द फन दे हैड, एंड दिस इज द पार्ट टू ऑफ द लेसन. एंड दिस इज आई हैव टेकन फ्रॉम द NCERT न्यू बुक फॉर MP बोर्ड. दिस इज योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक बी हाइव इंग्लिश टेक्स्ट बुक फॉर क्लास नाइन्थ स्कूल ऑफ द फ्यूचर. सो इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन वी हैव स्टडीड दैट मार्गी एंड टॉमी बोथ वर टॉकिंग एंड देयर कन्वर्सेशन वॉज रिटन बाय मार्गी इन हर डायरी. द डायरी एंट्री पेज वॉज ऑफ 17 May 2157. ये मार्गी और टॉमी बात कर रहे हैं और उस बात की डायरी एंट्री मार्गी ने लिखी है और उसकी डेट है 17 May 2157. इसमें मार्गी बताती है कि टॉमी को एक बुक मिली है, रियल बुक जो पेजेस पे लिखी गई है, जिस पर जो भी शब्द जहाँ लिखा है वो वहीं पर लिखा हुआ है, चाहे वो पेज पलट लें चाहे बार बार उसको दूसरे पेजेस में देखें, जो शब्द जहाँ था वहीं देखने को मिल रहा है. साथ ही ये भी बताती है मार्गी अपनी डायरी में कि इसके पहले कभी उसने सही की बुक नहीं देखी है, क्योंकि ये उस समय की बात है जब हमारी वर्तमान पीढ़ी से चार पीढ़ी बाद की पीढ़ी जब पढ़ाई किया करेंगी और वो लोग अपनी पढ़ाई पूरी कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे या स्क्रीन पे किया करेंगे, तो उसमें शब्द जो हैं वो मूव होते हैं, है ना. और एक बार जो शब्द जहाँ देखा गया दोबारा स्क्रीन में वहीं पर नहीं दिखाई पड़ता है. और उन लोगों को उस समय मैकेनिकल टीचर पढ़ाया करेंगे, रोबोटिक टीचर. और इसमें ये भी बताया गया ये बात कि मार्गी का जो टीचर रहता है वो उसके फंक्शन में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है और मार्गी की माँ मार्गी को और मार्गी के टीचर को लेकर जाती है काउंटी इंस्पेक्टर के पास. तो काउंटी इंस्पेक्टर वो व्यक्ति होता है जो मैकेनिकल टीचर को या रोबोट को सुधारता है और कैसे उसे ठीक किया जाता है ये उसे मालूम होता है. यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था. और ये भी था कि मार्गी का जो टीचर था वो उसे टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहा था और मार्गी हर बार खराब से खराब प्रदर्शन कर रही थी. मार्गी का टीचर जो था उसमें एक स्लॉट था, उस स्लॉट में उसे अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर करके रखना रहता था. जो चीज़ मार्गी बहुत मुश्किल से याद कर पाती थी वो चीज़ मार्गी का टीचर विद इन नो टाइम, बगैर समय गवाए कैलकुलेट कर लेता था और मार्क्स दे देता था. इस बात से मार्गी बहुत परेशान थी. अभी अब मार्गी का टीचर और मार्गी काउंटी इंस्पेक्टर के पास हैं, तो हम पैरा नंबर 5 से फिर से स्टार्ट करते हैं. द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हैड. जब काउंटी इंस्पेक्टर ने अपना काम पूरा कर लिया, यानी मार्गी के टीचर को ठीक कर लिया, तो वो मुस्कुराया और मार्गी के सिर पर पैट किया. पैट किया ने धीरे से थपथपाना. He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick." वो मार्गी की माँ से बोलता है, मिसेज जोन, ये मार्गी की गलती नहीं है. मैं सोचता हूँ कि जो ज्योग्राफी सेक्टर है वो थोड़ा सा जल्दी इसमें चालू हो गया है. तो यहाँ पे हम देखें geared की मीनिंग हमको साइड में दी हुई है. गियर्ड मीन्स होता है एडजस्ट टू अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड और लेवल. यानी मार्गी 11 ईयर्स की थी, 11 ईयर्स के हिसाब से बहुत यानी जल्दी जो उसका ज्योग्राफी सेक्टर है वो उसमें शामिल कर लिया गया है. दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, कई बार ऐसा होता है. आई हैव, यहाँ पे आई इसको ये आई हैव का शॉर्ट फॉर्म है. आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल. मैंने मार्गी के टीचर का
जो ज्योग्राफी सेक्टर है वो 10 ईयर के स्टूडेंट्स के लेवल के हिसाब से सेट कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। सही में देखा जाए यथार्थता मैं मार्गी की जो प्रोग्रेस है उसकी एज के हिसाब से संतुष्टिजनक है। एंड ही पैटेड मार्गीज हैड अगेन, और वह दोबारा मार्गी के सिर पर पैट करता है थपथपाता है। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी बड़ी दुखी हो गई। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, मार्गी इस उम्मीद में थी कि टीचर को हमेशा के लिए उससे दूर ले जा लिया जाएगा। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था कि टॉमी के टीचर को लगभग एक माह के लिए टॉमी से दूर ले जा लिया गया था सुधारने के लिए, क्योंकि टॉमी के टीचर का हिस्ट्री सेक्टर पूरी तरीके से खाली हो गया था। अब यहाँ पे टीचर का हिस्ट्री सेक्टर खाली हो जाना, यहाँ पे टीचर यानी मशीन है और मशीन में हिस्ट्री का पोर्शन पूरी तरह से गायब हो गया, मतलब डिलीट हो गया। तो फिर से भरने के लिए लगभग एक महीने के लिए टॉमी के टीचर को उससे दूर ले जाया गया था। सो शी सैड टू टॉमी, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल। अब वो फिर से उस बात पर आ गई कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। अब ये कन्वर्सेशन है टॉमी और मार्गी की। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज। टॉमी बड़ा था मार्गी से, 2 साल बड़ा था। हमने देखा पहले वीडियो में बताया मैंने कि मार्गी 11 वर्ष की है और टॉमी 13 वर्ष का है, तो 2 साल का अंतर, तो उनके नॉलेज में भी अंतर है। तो टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज, यानी अपने आप को थोड़ा महत्वपूर्ण समझते हुए टॉमी ने देखा। बिकॉज इट्स नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, स्टूपिड यानी मूर्ख, क्योंकि ये हमारी तरह के स्कूल नहीं हुआ करते थे। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। ये पुराने तरीके के स्कूल हुआ करते थे जो सैकड़ों, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स, सैकड़ों और सैकड़ों वर्ष पहले हुआ करते थे। एगो यानी पहले। ही एडेड लॉफ्टीली, ये बात उसने लॉफ्टीली बोले, गर्व के साथ बोली। अब यहाँ पर लॉफ्टीली की मीनिंग हमको दी हुई है इन अ सुपीरियर वे, अपने आप को बेहतर बताने के लिए, बड़ा बताते हुए उसने ये बात कही। प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज एगो, शब्द को बहुत ध्यानपूर्वक उच्चारण करते हुए बोला सेंचुरीज एगो, मतलब सदियों पहले। एक सेंचुरी में 100 ईयर्स होते हैं, तो सेंचुरी मतलब 100 ईयर्स, हाफ सेंचुरी यानी 50 और डिकेड यानी 10। तो ये समय अवधि की गणना करने के लिए वर्ड्स हैं। डिकेड्स यानी 10 ईयर्स होता है, हाफ सेंचुरी यानी 50 और सेंचुरीज यानी 100। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी इस बात को सुनकर बड़ी दुखी हुई। वेल आई डोंट नो वॉट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, बोलती है। ठीक है, मैं तो नहीं जानती उस समय किस तरीके के स्कूल हुआ करते थे पहले। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए वाइल देन सैड एनी वे दे हैड अ टीचर, फिर उसने वो पुस्तक को ली और अपने शोल्डर के बराबर में रखते हुए, जैसे कंप्यूटर या लैपटॉप जो रहता है वो आंखों के लेवल पे होता है तो उसको कंधे के ऊपर का हाइट मेंटेन करनी पड़ती है, तो वैसे ही उसने बुक को पकड़ी और अपने शोल्डर के लेवल पे लाके उसने बुक को पढ़ना चालू किया। फिर बोला एनी वे दे हैड अ टीचर, चाहे जो भी हो उस समय भी टीचर तो हुआ ही करते थे। दे हैड अ टीचर, इट वॉज अ मैन, उनके पास टीचर तो हुआ करते थे और वो टीचर कौन थे, इंसान। आप ये देखें यहाँ पे पिक्चर बनी हुई है, पिक्चर में जो हमारे वर्तमान स्कूल हैं उन वर्तमान स्कूलों की पिक्चर है ना, ये उस समय की नहीं है जब टॉमी और मार्गी हैं। इसमें देखें बहुत सारे बच्चे सामने बैठे हुए हैं और उनको एक इंसान बैठ कर टीचर पढ़ा रहा है, तो ये वर्तमान स्कूलों का चित्रण है जो भविष्य के बच्चे पढ़ेंगे।
श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन. मार्क टॉमी बताता है कि निश्चित ही वहाँ टीचर हुआ करते थे, पर वो एक रेगुलर टीचर, जैसा इन लोगों के घर में एक मैकेनिकल टीचर होता है वैसा टीचर नहीं था. वो टीचर कौन था? इंसान हुआ करते थे. यहाँ पे रेगुलर का मतलब है नॉर्मल ऑफ द यूज, हियर नॉर्मल ऑफ द यूजुअल काइंड, यूजुअल काइंड मतलब सामान्य तरीके का. अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, इंसान इंसान कैसे टीचर हो सकता है? ये उस बच्ची की क्यूरोसिटी है, क्योंकि उसने कभी इंसानों को टीचर के रूप में देखा ही नहीं है. वेल, ही जस्ट टोल्ड द बॉय एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चंस. टॉमी बताता है कि वो एक तरीके यानी इंसान ही होता था जो लड़के और लड़कियों को चीज़ें बताता था. एंड गेव देम होमवर्क, होमवर्क भी दिया करता था बच्चों को. एंड आस्क देम क्वेश्चंस. अ मैन इजंट स्मार्ट एनफ. यहाँ पे बात आई कि एक मनुष्य इतना स्मार्ट नहीं हो सकता जितना कि कंप्यूटर या मैकेनिकल टीचर होता है. श्योर ही इज, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर. टॉमी बोलता नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरे पिताजी को उतना मालूम है, वो सब जानते हैं जितना कि मेरा टीचर जानता है. ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बच्चा. वो उतना सब जानते हैं जितना, ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेट चा. तो बेट चा यहाँ पर अर्थ होता है, इनफॉर्मल वर्ड है. आई बेट, आई बेट को उन्होंने आई बेट चा बोला है. आई बेट यू इन फास्ट स्पीच आई एम श्योर, यानी जल्दी जल्दी बोलने में जब फास्ट स्पीच बोलते हैं तो आई बैट की जगह बोला है आई बैचा. मार्गी वाजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट. मार्गी इस विषय पे बातचीत करने के लिए या ज़्यादा डिस्प्यूट करने के लिए तैयार नहीं थे. डिस्प्यूट यानी होता है विवाद, इसी तरीके के भी विवाद के लिए मार्गी तैयार नहीं थी. शी सेड आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी. अब मार्गी के दिमाग में यही बात है कि टीचर है मतलब घर पर ही रहेगा, तो वो बोलती है कोई भी बात हो, लेकिन मैं कोई अजनबी व्यक्ति को मेरे घर में नहीं रखना चाहती मुझे पढ़ाने के लिए. टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर. टॉमी स्क्रीम्ड, स्क्रीम्ड यानी होता है चीख पड़ना, खुशी से यानी हंसी से चीख पड़ा उसके, जोर से ठहाका निकल गया कहना चाहिए. यू डोंट नो मच मार्गी, द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस. मार्गी तुम नहीं जानती हो, टीचर घर पे नहीं रहा करते हैं. दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर. यानी स्कूल की एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती है जहाँ पर सारे बच्चे जाया करते हैं पढ़ने के लिए. करी हूँ मैंने. श्योर इफ दे वेयर द सेम एज एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग. वो पूछती है तो क्या सारे बच्चे एक सी चीज़ें पढ़ाई करते थे? श्योर, हाँ पक्का. इफ दे वेयर द सेम एज, यदि वो बच्चे एक ही एज ग्रुप के होते हैं तो वो एक सी पढ़ाई करते हैं. बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली. पर मेरी माँ कहती है कि प्रत्येक बच्चे को पढ़ाने वाले टीचर को एडजस्ट करना पड़ता है बच्चे के मस्तिष्क के हिसाब से, और ये भी कि प्रत्येक बच्चे को अलग तरीके से पढ़ाना होता है. जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन. यही बात है जो उस समय इस तरीके से नहीं की जाती थी. इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक. टॉमी जो अभी इस पर डिस्कस नहीं करना चाहता था तो उसने बोला यदि तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम्हें ज़रूरत नहीं है इस पुस्तक को पढ़ने की.
आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली। मार्गी जल्दी से बोली, नहीं मैंने ये नहीं कहा कि मैंने मुझे ये पसंद नहीं है। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वो उन फनी स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती थी। दे वेरेंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल, अभी उन्होंने आधा भी ख़त्म नहीं किया था कि मार्गी की माँ ने आवाज़ दी, मार्गी स्कूल मतलब स्कूल का समय हो गया है। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा, मार्गी ने ऊपर देखा मम्मा की तरफ और बोली मम्मी अभी नहीं। नाउ सेड मिसेस जोन्स, मिसेस जोन्स जो मार्गी की माँ थी उन्होंने कहा अभी। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और ये भी कि अब शायद टॉमी का भी पढ़ने का समय होगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा अभी, इसके बाद का वीडियो कल बनाएंगे। हैव अ गुड डे, बाय।